हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल गाइड में। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इकोनो कॉइन लोन ऐप के बारे में। इकोनो कॉइन लोन ऐप किस तरीके का ऐप है, यहाँ पर लोन मिलता है कि नहीं मिलता है, यहाँ से लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या ये ऐप सही है कि नहीं सही है, लोगों का क्या कहना है इस ऐप के बारे में पूरा बताऊंगा। प्लीज बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इकोनो कॉइन लोन ऐप एक तरह का इंस्टेंट लोन ऐप है, जिसका ये दावा है कि यहाँ से ही आपको लोन दिलवाता है, ना कि लोन देता है। ये अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप में, जिससे ही आपको लोन दिलवाता है। इसका ये भी दावा है कि ये आपको 2000 से लेकर 80000 तक का लोन दिलवा सकता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 91 डेज से 2 साल तक का ये देता है। और जो ये प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं वो 2% चार्ज करते हैं, और जो APR चार्ज करते हैं ये 14 से 30% तक APR चार्ज करते हैं। ये एलिजिबिलिटी बताते हैं कि आप इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए, आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 18 से 56 साल होने चाहिए, आपकी स्टेबल इनकम होनी चाहिए, आप एक सैलरीड एम्प्लॉय होने चाहिए जिसकी मासिक तनख्वाह 10,000 से कम नहीं होनी चाहिए। लोन लेने के लिए बताते हैं कि आपको इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी पड़ेगी, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंकिंग डिटेल्स देनी पड़ेगी, उसके बाद ई साइन करना पड़ेगा एग्रीमेंट को, फिर ये लोन आपके अकाउंट में डाल देंगे, फिर उसको आप इंटरेस्ट के साथ रिपे कर सकते हैं। ये इनका दावा है। अब लोगों का क्या कहना है, लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा, वो मैं आपको बता देता हूँ। लोगों का ये कहना है, जब लोग इस ऐप को डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपना नंबर का डिटेल्स भरते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं, उसके बाद जब एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं तो डेटा उनके पास पहुंच जाता है, उसके बाद कुछ ही देर में उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये चीज ज्यादातर लोगों के साथ हो रही है। और उसके बाद फिर ये मैसेज करते हैं कि आपने लोन लिया, उसको रिपे नहीं किया, उसको रिपे करिए। 7 दिन का टाइम था आपके पास और 7 दिन के टाइम के अंदर आपको रिपे करना है। अगर आप रिपे नहीं करते हैं तो जब आपने इस ऐप को डाउनलोड किया, वो आपका डेटा जो है, आपकी जो पिक्चर्स है, जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, इनके पास पहुंच जाती है। तो उसी डेटा के बलबूते कहते हैं कि आपका डेटा, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हमारे पास है। अगर आप लोन को रिपे नहीं करते हैं तो हम आपकी पिक्चर्स को एडिट करके आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजेंगे, हम गलत सलत मैसेज भेजेंगे कि आप लोन लेके अगर भाग गए हैं, आपको बदनाम करेंगे, हैरेस करेंगे, परेशान करेंगे, आपको अलग अलग नंबर से कॉल आएगी, मैसेजेस आएगी और आप पे दबाव बनाया जाएगा कि आप रिपे कर दें। अब कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो अप्लाई करें हो या ना करें हो, फिर भी उनके अकाउंट में पैसा डाल दिया गया हो और वो पैसा पूरा लोन अमाउंट नहीं होगा, उस लोन अमाउंट का आधा होगा और उसके बाद हाई इंटरेस्ट लगाकर उस पूरे अमाउंट को मांगा जाएगा। यानी कि अगर 2000 का लोन अप्रूव्ड हुआ है तो आपको आधा पैसा देंगे, यानी कि 1100-1200 तक का, और उसके बाद हाई इंटरेस्ट लगा के फिर आपसे 2000 मांगेंगे। तो इस तरीका से ये आपके साथ कर सकते हैं। तो ज्यादातर लोगों का कहना है कि डाटा कलेक्टिंग ऐप है। और दोस्तों, अगर आप फंस चुके हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू स्टॉप लोन ऐप हैरेसमेंट। आप साइबर पोर्टल पे कंप्लेंट भी कर दीजिए, हाउ टू फाइल साइबर कंप्लेंट, इसके ऊपर भी मैंने पूरा ट्यूटोरियल वीडियो बनाया है। और आप मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग सतर्क हो सकें, जान सकें कि लोन ऐप के नाम पर क्या हो रहा है, किस तरीके से परेशान किया जा रहा है लोगों को। और आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आगे आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।